नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान BSTC की पहली लिस्ट जारी करने को लेकर दोस्तों आपकी कट ऑफ इसमें क्या रहेगी, 3000 सीट बढ़ोतरी को लेकर और कम नंबर पर कॉलेज मिलने को लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान BSTC की आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो देखिए, राजस्थान BSTC की दोस्तों आज की अपडेट आपके सामने निकल के आ रही है। 1 नवंबर को जारी हुआ था रिजल्ट। प्रदेश में 24,720 सीटों के लिए 90,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था दोस्तों, और वहीं आपकी सीट बढ़ोतरी की अपडेट है कि 2 से 3 हज़ार सीटें आपकी बढ़ सकती हैं। अगर सीटें बढ़ेंगी तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ भी कम हो जाएगी। मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को इसी सप्ताह ऑनलाइन विकल्प के आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि एक सीट पर 3 अभ्यर्थी रहने वाले हैं। पिछले साल 66,000 छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी, इस बार 90,000 छात्रों ने काउंसलिंग कराई है और इसके बाद दोस्तों इस बार सीट बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इसलिए काउंसलिंग में विलंब हुआ है। जल्दी इस संबंध में आदेश जारी होंगे। तो दोस्तों सीट बढ़ने की वजह से ही आपकी BSTC की पहली लिस्ट जारी नहीं हो पा रही, वरना लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर सीट बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ भी कम हो जाएगी। तो कॉलेज अलॉटमेंट इसी सप्ताह आपका हो जाएगा दोस्तों, और जल्द ही काउंसलिंग की जो सेकंड लिस्ट है उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू होगी। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, पहली लिस्ट में कितने नंबर वाले छात्रों को इसमें कॉलेज मिलेगी। देखिए, जनरल OBC SC ST की अलग अलग कट ऑफ रहती है और कट ऑफ के आधार पर ही आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिलती है। हालांकि पहली लिस्ट की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है और इस बार आपकी जनरल की 410 से 430 तक जाएगी। अगर मैं पहली लिस्ट की बात करूं तो 400 से 430 मेल फीमेल की दोनों की, EWS की 370 से 400 तक, OBC की 380 से 410, SC की 340 से 380, ST की 310 से 360 के मध्य आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगा उनको दोस्तों यहां पर 13,500 रुपये फीस जमा करानी होगी और अपने सभी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कराने होंगे। और 3,000 सीट बढ़ेंगी दोस्तों, कम नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो 3,000 सीट बढ़ जाती हैं तो आपको जो कट ऑफ है वो भी कम हो जाएगी। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर बता दिया है कि किस आधार पर आपकी कट ऑफ रहेगी। देखिए, अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है तो आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।